गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज नोज। लास्ट टाइम हमने कितने करे थे? सेंसरी ऑर्गन, ईयर का, स्किन का और आई का। तो आज हम करेंगे नोज। नोज क्या है आपका? नोज भी आपका क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। इससे हमें क्या पता चलता है? स्मेल का पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम नोज। नोज क्या है? नोज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन फेस। अब आप सबको ही पता है कि नोज क्या है, एक प्रोमिनेंट पार्ट है, यानी कि अगर किसी की नाक थोड़ी है तो क्या एक फेस बॉडी टाइप्स, ठीक है। अगर किसी की नोज लंबी है तो उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नोज क्या है? एक प्रोमिनेंट यानी कि बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसको बोलते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन फेस। नेजल कैविटी इज एसेंशियल फॉर बोथ ब्रीथिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल। तो जो भी आपकी नेजल कैविटी है, यानी कि नेजल कैविटी यानी कि जो दो होल्स है, इसी के थ्रू आप क्या करते हो? ब्रीथिंग करते हो और स्मेल करते हो। क्रेनियल नर्व्स, हमने अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स क्या होता है। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये दो टाइप्स की नर्व्स होती है। तो जो नर्व्स आपकी ब्रेन से निकलती है, ठीक है, तो वो नर्व्स को क्या बोलते हैं हम? क्रेनियल नर्व्स। टोटल हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12। तो जिसमें से आपकी फर्स्ट, फिफ्थ और एट, ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ और एट जो नर्व्स होती हैं, वो क्या मेनली रिस्पॉन्सिबल है? आपकी जो फर्स्ट है नर्व है ओल्फैक्शन नर्व्स, ठीक है, ये आपके मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं नर्व्स के थ्रू आप क्या करते हो? स्मेल कर पाते हो किसी चीज का, ठीक है, पता चलता है आपको। तो क्रेनियल नर्व्स में से जो आपकी फर्स्ट नर्व है, ठीक है, वो आपकी ओल्फैक्शन नर्व्स होती है, जो ये नर्व्स आपकी स्मेलिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपके फंक्शन ऑफ नोज। अब फंक्शन ऑफ नोज में आप क्या पढ़ते हो कि नोज की हेल्प से कौन कौन से आपकी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? फर्स्ट स्मेलिंग, ब्रीथिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट। जो भी आपकी नोज में हेयर प्रेजेंट है वो मेनली क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है कि जो डस्ट पार्टिकल है उनको अंदर आने ही नहीं देती, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचाने ही नहीं देती। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, आपको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है आपकी जो एयर आ रही है उसको। और एलिमिनेशन ऑफ सेक्रेशन, तो आपकी सेक्रेशन में भी आपका एलिमिनेशन में हेल्प करती है। लाइक जब हमें कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो या जितनी भी आपकी सेक्रेशन है वो किसके थ्रू बाहर आती है? नोज के थ्रू बाहर आती है। अब फिफ्थ, ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डायग्राम ऑफ नोज, ठीक है, ये आपका नोज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है आपके, यहाँ से आपकी क्या जाती है? आपकी नोस्ट्रिल जाती है, जहां से आपके ओडर मॉलिक्यूल्स, जो कि जहां से उन मॉलिक्यूल्स जिनमें स्मेल होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके नोज में जाते हैं, ठीक है। और नेजल कैविटी प्रेजेंट रहती है, नेजल कैविटी, उसके बाद आते हैं आपके ओल्फैक्टरी नर्व्स, ये नर्व्स आपके ब्रेन तक प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद साइनस आता है आपका, जिसको साइनस साइटस भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है और क्यों? ब्लॉकेज की वजह, जब आपने देखा होगा कोल्ड वर्ल्ड में आपकी नर्व्स ब्लॉक हो जाती है जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ साइनस साइटस। कई बार क्या होता है कि नोज में इंफ्लेमेशन ज्यादा होने लग जाती है, तो उस पर्सन को साइनस साइटस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ये ओल्फैक्टरी बल्ब कैसे दिखते हैं? साइड में मैंने बता रखा है इसी को जूम करके कि रिसेप्टर क्या, ओल्फैक्टरी बल्ब में क्या रहते हैं आपके, इस टाइप के रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और सीलिया, सीलिया ये क्या करते रहते हैं आपके? मूवमेंट करते रहते हैं। इन मूवमेंट की वजह से जो आसपास के ओडर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली कैच कर लेते हैं ये सीलिया। अब नोज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। नोज में आपके एक्सटर्नल नोज की डिवीजन है दो टाइप से की हुई है, एक्सटर्नल नोज यानी कि जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, और उसके बाद नेजल कैविटी, इंटरनल पार्ट नोज के। बोथ आर डिवाइडेड बाई सेप्टम इंटू राइट और लेफ्ट हाफ। तो राइट और लेफ्ट हाफ को कैसे हमने डिवाइड कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। अब नोज क्या है आपका? एक्सटर्नल और नेजल कैविटी, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन से आते हैं आपके? नेजल बोन, फोरंटल, सेप्टम एंड नोस्ट्रिल, ये आते हैं आपके एक्सटर्नल पार्ट में नोज के। और नेजल कैविटी क्या होती है आपकी? नेजल कैविटी में आते हैं आपके प्लैंटीन बोन्स, ओल्फैक्टरी लीजन, ओल्फैक्टरी बल्ब या ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, ये सब आपके आते हैं आपके इंटरनल नेजल कैविटी, जो आपके इंटरनल प्रेजेंट और एक्सटर्नल जिसको आप बाहर से ही देख सकते हो। इस तरह से क्या आते हैं आपके नोज के ये पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपके, अब एक एक करके हम पार्ट्स का फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी नेजल कैविटी।
इसका फंक्शन क्या है आपका, इट इज अ होलो स्पेस बिहाइंड द नोज एयर फ्लो थ्रू नेजल कैविटी, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आपकी जो एयर है वो नेक्स्ट पार्ट में जाती है। नेक्स्ट है आपकी सेप्टम, जैसे अभी पढ़ा था सेप्टम क्या है, ये एक डिवीजन प्रोवाइड करता है लाइट राइट हैंड राइट नोज की और लेफ्ट नोज की। थिन वॉल मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है, ये जो सेप्टम है ये किसका मिल के बना होता है आपका, कार्टिलेज और बोन्स का। इट डिवाइडेड द इनसाइड ऑफ द नोज, ये आपके आगे की नोज को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज अ थिन टिश्यू डैट लाइन द नोज साइनस एंड थ्रोट। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये एक थिन टिश्यू है, ये क्या करती है आपकी नोज साइनस एंड थ्रोट को अटैच करके रखती है। ये मेनली क्या करती है आपकी जो एयर आ रही है उसको वार्मनेस प्रोवाइड करती है और मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करती है आपकी एयर को। नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब, अब ऑल्फैक्टरी बल्ब की वजह से ही आप क्या करते हो, इन्हीं बल्ब के पास होते हैं रिसेप्टर्स, तो जैसे ही आपकी जो खुशबू है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है तो उसी टाइम पे जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है वो आपकी ब्रेन के साथ अटैच हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, मेजर पार्ट ऑफ नोज इज ऑल्फैक्शन, जो नोज का पहले प्राइमरी फंक्शन वो क्या है आपका स्मेल का। ऑल्फैक्शन ऑल्फैक्टरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन, तो जिसमें भी आपके ऑल्फैक्टरी सेल्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिसेप्टर आर मेनली प्रेजेंट एट द ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज एक्टिव बाय द केमिकल विच इज कनेक्टेड विद द नर्व्स। सेम एज के ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होंगे, रिसेप्टर के पास ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रिसेप्टर मेनली कहाँ किसके साथ अटैच रहेंगे, नर्व्स के साथ रहेंगे। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती हैं, ये वो नर्व्स होती है जो कि आपके क्रेनियल नर्व्स की फर्स्ट के साथ अटैच रहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके स्मेल के साथ। दिस नर्व्स अटैच विद ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ अ ब्रेन एंड एनालाइज द स्मेल। नेक्स्ट जो है आपकी हाउ टू सेंस स्मेल, ठीक है, हाउ वो सेंस स्मेल की आपकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि नोज कैसे काम करती है जिसकी वजह से आपको फाइनली पता चलता है कि मैंने ये चीज स्मेल करी। नेक्स्ट है आपकी, तो हम इसको फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट क्या आपका ऑल्फैक्टरी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर एंटर टू द नोज, जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपका ऑडर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से जाएगा, पहले नेजल कैविटी के थ्रू आपका अंदर जाएगा। नेक्स्ट है रीचेस टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, फिर ये क्या जाएगा आपका जो भी मॉलिक्यूल्स है वो आपका कहाँ जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ। ऑल्फैक्टरी बल्ब में आपके क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी वो स्मेल मॉलिक्यूल ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास जाएगी तो मॉलिक्यूल स्टिमुलाई द सेलिया ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, ठीक है, उसी टाइम आपके जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं आपका कीमो रिसेप्टर। अब हमने आईज में पढ़ा था तो फोटो रिसेप्टर, अब हम इसमें पढ़ेंगे तो कीमो रिसेप्टर। कीमो मतलब केमिकल्स, तो जो हम स्मेल कर रहे हैं वो केमिकली तो होगा कंपाउंड। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट आएगी, लाइट की हेल्प से हम स्मेल कर पाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, बट हाँ लाइट की हेल्प से हम देख सकते हैं, इसलिए वहां पे जो रिसेप्टर होगा वो फोटो रिसेप्टर होगा। और जो केमिकल की वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं उन रिसेप्टर को हम कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका, ऑल्फैक्टरी बल्ब में। जैसे ही कीमो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट होगा वो आपका कनेक्ट रहेगा ऑल्फैक्टरी नर्व्स की वजह से, वो फिर ब्रेन एनालाइज कर देगा कि मैंने ये चीज आपकी स्मेल करी, ठीक है, इंटरप्रेट द सिग्नल एज स्मेल। ये हो गई आपकी फिजियोलॉजी की नोज कैसे काम करती है। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर ऑफ नोज, आपकी कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है नोज में, तो फर्स्ट है आपकी राइनिटाइटिस, इसमें क्या रहता है आपकी इंफ्लामेशन आने लग जाती है ब्रेन में, ठीक है, मेम्ब्रेन में, सॉरी, इंफ्लामेशन आने लग जाती है मेम्ब्रेन में जो कि आपकी नोज के साथ कनेक्ट रहती है। साइनसाइटिस क्या होता है, इंफ्लामेशन इन साइनस। उसके बाद एपिस्टेसिस क्या होता है, जब आपके नोज में से ब्लड आना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं हम एपिस्टेसिस। तो ये हो गए आपके नोज सेंसरी ऑर्गन। आपका जो लास्ट सेंसरी ऑर्गन रह गया वो रह गया आपका टंग, तो टंग हम पढ़ेंगे कल, तो आपका सेंसरी ऑर्गन के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे सारे के सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।